इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है हेमेंद्र कुमार ने। अगर आप हमारे चैनल के लेवल 3 मेंबर बनेंगे तो आपका नाम भी यहीं पे आएगा। हाँ जा भैया, आज हम आपको बहुत ही बढ़िया जगह पे घूमने लाए हैं। जैसे हमारे उदयपुर और जोधपुर में अंग्रेजों ने जब कैसे किले बनाए थे, ऐसे ही किले इन्होंने क्यूबेक और कनाडा में भी बनाए थे। और यहाँ पे उन्होंने कनाडा पे जब अटैक किया तो यहाँ पे बहुत सारे सैनिक रहते थे। तो इस वीडियो में मैं आपको एक किले का दर्शन कराऊँगा जो करीबन 200 साल पुराना है, पूरा कम्प्लीट वुड में बना हुआ है। भैया इस किले में ये लोग कैसे खाना बनाते थे, कैसे ये लोग कैदियों को रखते थे, उनकी प्रिजन भी, कारावास गृह भी बताऊँगा भैया, और उनके सोने का कमरा बताऊंगा, और 200 साल पहले भी लोग कैसा फर्नीचर था वो सब की सब चीज़ बताऊंगा भैया। ये देखिए हमारे पीछे कनाडा और क्यूबेक का फ्लैग है। हम ये साइकिल लेके आज यहाँ पे घूमने आए हैं। ये उसका किले का ऑफिस है। $12 का टिकट है भैया, तो हम लोग अभी धीरे धीरे टिकट लेके अंदर चलते हैं। हम लोग किले की ओर चल रहे हैं, देखिए। अरे पूरा का पूरा जो किला है एक लेक यानी कि वाटर के नदी के नज़दीक में है। उन्हें इसलिए यहाँ पे बनाया ताकि इस नदी पे ये लोग कंट्रोल कर सके और उनको पूरा पूरा यहाँ पे गांव बसा सके। इसके लिए अब हम लोग जो किले पे देख घूमने जा रहे हैं, वहाँ देखिए इसकी दीवार कितनी मोटी हुई है। और यहाँ पे जो ट्री है अभी मेरे ख्याल से 200 साल से ये खड़ा है, उसी की सिचुएशन अभी भी उसकी ऐसी की ऐसी ही है कंडीशन। बड़े एकदम बड़े सा दीवार है और इसकी खाली थिकनेस देखिए कितनी है। इतना मोटा में करीबन 1.25 फुट मोटा ये किला है। और उस पर यहाँ पे बड़े अच्छे से देखो, यहाँ पे ये ऑफिस है पूरा 200 साल पुरानी। वो बैरक है, वहाँ पे सब सोल्जर्स होते थे, वहाँ पे फैमिली रूम है। ये बेकरी है कि जहाँ पे खाना बनता था ब्रिटिशर सब के लिए। तभी हम उसके मैं उसकी आपको टूर देता हूँ भैया। और उसके सामने अगर आप देखें तो दीवार है को जो लेक के नज़दीक पड़ता है, वहाँ पे होल है, वहाँ से लोग अटैक करते थे। तो मैं सबसे पहले आपको ये सोल्जर का स्लीपिंग क्वार्टर दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये सभी लोग दो दो के साथ ऊपर नीचे सोते थे। और यहाँ पे टोटल 12 सैनिक का फैमिली रहता था भैया, और 12 सैनिक में से खाली 6 ही सैनिक के पास उनकी वाइफ थी, और टोटल 11 बच्चे, ऐसा करके पूरे 12 फैमिली यहाँ पे रहते थे भैया। और यहाँ पे ये सब खाने का सामान के और दोपहर को खाने के लिए थे। और यहाँ पे कनाडा में ठंड बहुत ही है तो हर जगह पे ऐसी चिपनी होती है भैया। और ये 1839 में बना था और इसका उपयोग खाली 1839 से 1842 यानी खाली 3 ही साल इसका इस्तेमाल हुआ था। देखिए कितनी लंबी लंबी राइफल है। जैसे अंग्रेजों ने हमारे इंडिया पर राज किया, ऐसे ही उन्होंने कनाडा पर भी अटैक किया था। यहाँ पर पहली कम्युनिटी जो थी यहाँ की, जो लोकल कम्युनिटी, वो फर्स्ट नेशन कम्युनिटी है, और उनका ये इनके ओरिजिनल नेटिव लोग है। और वहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे फ्रेंच लोग आए, फिर उसके बाद यहाँ पे ये अंग्रेज लोग आए। ये देखिए जो कॉलोनियल और जो ब्रिगेडियर है उनका टेबल है, आज भी वो चीज़ ऐसी की ऐसी बड़ी अच्छी तरह उन्होंने संभाल रखी थी। तब तो इंक था नहीं, तो भैया ऐसे सब लिखते थे और इसको स्टैम्प ऐसे सील करके रखते थे। ये ओरिजिनल पेपर है भैया, आज से 200 साल पहले को, और ये इनमें डुबा डुबा के ये लोग सब लिखते थे। देखिए पहले कितनी बढ़िया एकदम अच्छी सी हैंड राइटिंग हुआ करती थी सब भैया। तो ये कनाडा में एक भैया मेरे को क्या अलग सी चीज़ लगी कि इंडिया में वुड की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। मेरे ख्याल से 5-10-50 साल में इंडिया का वुड खलास हो जाता है उदाई की वजह से। यहाँ पे ये वुड है भैया 200-300 साल से है, वो भी ऐसा का ऐसा ही है भैया। और जो फर्नीचर भी देखिए आप, 200 साल पहले का ये व्हील चेयर है भैया, किसी का पैर वैर कटा हुआ तो उसको ये व्हील चेयर में लेके घुमाएंगे भैया। ये सब आज से 200 साल पहले करीबन 180 साल पहले का जो चीज़ था वो चीज़ वैसे का वैसा ही है भैया। मैं वीडियो में आपको इसका प्रिजन बताऊंगा भैया, और ये खाना कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा भैया, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए आज से यहाँ पे 180-90 साल पहले भी कितना सिविलाइज था, इतना बढ़िया सा टेबल और चेयर, खाली 12 फैमिली के लोग भैया, पूरा पूरा इन लोगों ने किला खड़ा कर दिया था। और इसके पास रिवर थी तो ये लोगों खाली रात में दो जनों की, दो दो या तीन तीन सैनिकों की टूर भैया ये लोग ये शिफ्ट में काम करते थे भैया। तो ऐसे वो पूरा का पूरा ये किले की रक्षा करते थे, और वो देखते थे कि कनाडा में कई रिवर पार करके और दूसरी ओर से फ्रेंच लोग उसका अटैक नहीं पार कर पाए भैया। ये देखिए चिमनी है भैया, तो ये बहुत ही कॉमन है। यहाँ पे 150-200 साल पहले भी बेड की ज़रूरियात क्यों होती पता है भैया? मैंने सुना कि भैया कनाडा में पहले बर्फ़ इससे भी कई ज़्यादा पड़ती थी, यानी कि ज़मीन पे सोना तो एकदम इम्पॉसिबल है भैया। अभी मैं आपको यहाँ का किचन यानी कि जो खाना बनाने के लिए वो जो बेकरी थी वहाँ पे ले चलता हूँ भैया, कि जो 12 सैनिक थे उसमें से जो 6 सैनिक की जो वाइफ थी वो पूरा का पूरा एक कुकिंग का काम संभालती थी भैया। और ये सब उनका आटा दाल रखने का सामान है वो सब। और ये यहाँ पे लोग क्या करते थे भैया, एक साथ टीम में भैया ये 6 औरतें मिल के सभी के सभी 25-30 आदमियों के लिए से पूरा साथ मिल के खाना बनाती थी भैया। और औरतों का लिबास ऐसा हुआ करता था उस ज़माने में भैया।
अंग्रेजों का जैसा इंडिया में पनिशमेंट सिस्टम बहुत हार्ड था, वैसे ही उनका ये कैनरा में भी था भैया। किसी को भी जैसे पकड़ लिया खराब काम करते होते उनको भैया ये हंटर से बहुत पीटते थे ये लोग। और ये देखिए इनका प्रिजन का सेल भैया क्या हालत है, देखिए मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। देखिए खाली देखने के लिए इतनी जगह है और आपको पूरे दिन यहाँ पे बैठते रहना है, दिन के दिन यहाँ पे भैया यहाँ पे आपको बैठे रहना फर्जियात है भैया। और रात को जो सोने के लिए भैया आपका कमरा है वो उन्होंने ठीक ठाक बना रखा है, क्योंकि रात में बहुत ठंड हो जाती है, तो उनको लिए उन्होंने लेके सोने के लिए पलंग बिछा रखा है। और बैठ के ये कैदी को लिखने के लिए थोड़ा ये इंक और सब स्याही और सब चीज़ ये बेसिक ज़रूरियात उन लोगों ने उस ज़माने में भी कैदी के लिए उपलब्ध कराई रखी थी भैया। किले में खाली 12 सोल्जर थे भैया, तो इन्होंने ये चार चार सोल्जर करके इनकी तीन टुकड़ी बनाई भैया। और हर एक सोल्जर की टुकड़ी को उन्होंने एक शिफ्ट में डाल दिया, और एक टुकड़ी के शिफ्ट में भैया दो सोल्जर नीचे ज़मीन पे काम करते थे, और दो सोल्जर है ना भैया इसके ऊपर रूफ में से भैया पूरे के पूरे ये कैंप के और किले की भैया ये चौकीदारी करते थे। और यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ बारिश से आपको पूरा का पूरा रिवर और पूरा का पूरा ये किला आपको बड़ी अच्छी तरह दिखेगा। देखिए ये बड़ी एक अच्छी सी जगह है और यहाँ से पूरा ये उनकी बॉर्डर की सिक्योरिटी करते हैं भैया। इस फोर्ट देखने की टिकट $12 थी। तो भैया इंडिया में क्या या फोर्ट यानी तो किला देखने की कोई टिकट है भैया? तो अगर आप अगर उदयपुर नहीं तो जोधपुर गए हुए हो तो टिकट का क्या दर लिखा है भैया वो हमको कमेंट में लिख के बताइए भैया। यहाँ से आपका परदेसी भाई का आपको यहाँ से मेरा सलाम।